अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें मर्द ने मर्द से शादी कर ली है। जी हाँ, इन्होंने मस्जिद में जाकर निकाह पढ़वा लिया है और ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि मर्द से मर्द का निकाह करना कैसा है और औरत से औरत का निकाह करना कैसा है और ऐसे लोगों का अल्लाह के यहाँ क्या हश्र है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दुनिया में पहली बार हिस्ट्री में एक मस्जिद के अंदर दो मर्दों के बीच निकाह पढ़वाए जा रहे हैं, यानी दो मर्दों के बीच शादी हो रही है और एक मौलवी इनके निकाह पढ़ रहे हैं। ये वीडियो दुनिया में वायरल हुआ और वायरल होते ही ना सिर्फ मुसलमानों के बीच बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों के बीच एक तशवीश पैदा हो गया है, एक टेंशन क्रिएट हो गया है। तो क्या है पूरी कहानी, चलो जान लेते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ये है इंडिया के कुछ गे कपल्स और लेस्बियन कपल्स जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनमें से ज्यादातर कपल्स ने शादी भी की है, यानी कि सेम सेक्स मैरिज इन्होंने की है। और इन लोगों का कहना है कि इनकी मैरिज तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इनको हकूक नहीं मिलते, जब तक इनको डेमोक्रेसी में उनके राइट्स नहीं मिलते। इसीलिए एलजीबीटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर दी, एक अर्जी दायर कर दी, जिसके मुताबिक उनका मानना है कि उन्हें भी डेमोक्रेसी के हिसाब से उनके राइट्स मिलने चाहिए। यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला दे कि सेम सेक्स मैरिजेस लीगल है। इसी तरह की पेटिशन, इसी तरह की अर्जी एक साल पहले पाकिस्तान में भी दी गई थी और पाकिस्तानी हुकूमत ने उस अर्जी को पास भी कर लिया था और पिछले ही साल एलजीबीटी मैरिजेस लीगल कर दिए गए थे पाकिस्तान में। इसीलिए एलजीबीटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया का कहना है और मानना है कि इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उनके हक में फैसला देगा और एलजीबीटी मैरिजेस को, यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस को, वो लीगल कर देगा। इंडिया की जो ये गे और लेस्बियन यानी कि सेम सेक्स मैरिज कम्युनिटी है, इनके मुताबिक लैवेंडर मैरिजेस फिलहाल इंडिया में आम है। अब ये लैवेंडर मैरिज है क्या? असल में दोस्तों, लैवेंडर मैरिज उन दो इंसानों के बीच होती है जो दरअसल सेम सेक्स मैरिज से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वालों और समाज के नामंजूरी के लिए वो ये शादी कर लेते हैं। यानी सिंपल में आपको समझाऊं कि एक लड़की और एक लड़के के दरमियान शादी होती है। दरअसल ये लड़का एक सेम सेक्स मैरिज करना चाहता है, यानी कि एक मर्द से शादी करना चाहता है और ये लड़की एक औरत से ही शादी करना चाहती है। लेकिन जब इनके घर वाले ये नहीं मानते तो ये शादी दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इनकी जो रिलेशन होती है वो अलग अलग इंसानों से होती है। यानी दोस्तों, सिंपल लैवेंडर मैरिज का मतलब होता है दो इंसानों के बीच में शादी, एक मर्द एक औरत के बीच में शादी। ये अपने साथ शादी तो बना लेते हैं, लेकिन इस शादी के साथ साथ ये अलग रिलेशन भी रख लेते हैं। वो मर्द मर्द के साथ रिलेशन रखता है शादी के बाद भी और ये औरत एक औरत के साथ रिलेशन रखती है, यानी जिससे ये प्यार करती है इनके मुताबिक। इसलिए बॉलीवुड भी इस तरह की मूवीज अब ज्यादा ला रहा है कि इस मूवी में आप देख सकते हो इस मूवी का हीरो एक गे होता है और इस मूवी जो हीरोइन होती है वो एक लेस्बियन होती है। इनकी शादी हो जाती है लेकिन रिलेशंस फिर भी इनके अपने ही पार्टनर्स के साथ रहते हैं। और इस तरह की मूवीज समाज में एलजीबीटी कम्युनिटी को दिखाती है कि वो किस तरह से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, इंडिया में लैवेंडर मैरिजेस की तादाद बढ़ती जा रही है और लैवेंडर मैरिजेस आम होते जा रहे हैं। वेल दोस्तों, ये बात सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की नहीं है बल्कि दुनिया में 95% कंट्रीज में एलजीबीटी कम्युनिटी अपने हक के लिए लड़ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज में लास्ट मंथ से प्राइड परेड्स हो रही है। प्राइड परेड का मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी एक बड़े पैमाने पे जलूस निकालती है, प्रोटेस्ट करती है। ना सिर्फ अदर कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी इस तरह के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के परेड, प्राइड परेड आपको देखने को मिलेंगे। आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको टर्की का इस्तांबुल दिखेगा जहां पे लोगों ने, एलजीबीटी कम्युनिटी ने इस तरह की प्राइड परेड करनी चाहिए लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, उन्हें पकड़ लिया। और ना सिर्फ टर्की बल्कि दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज में इस तरह की प्राइड परेड्स हो रही है।
क्योंकि इसी तरह से LGBT कम्युनिटी दुनिया के ज्यादातर रिलीजन्स को कॉन्कर कर रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे LGBT कम्युनिटी और आम लोगों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि ये आम लोग LGBT कम्युनिटी के इस प्राइड परेड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये नजारा आप इंग्लैंड के एक मस्जिद का देख रहे हो। ये कंफर्म नहीं है कि ये मैरिज एक मस्जिद के अंदर की जा रही है, बल्कि ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो मैरिज है एक मस्जिद के अंदर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो दो मर्द, एक गे है एक मैन है, जिनके बीच में शादी हो रही है। और एक मौलवी, यहां पे मौलवी ही कह सकते हैं, एक मौलवी यहां पे निकाह पढ़ रहे हैं इन दो मर्दों के बीच। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب। क्योंकि दोस्तों इस्लाम के मुताबिक ये एक वैलिड निकाह नहीं है, क्योंकि दो मर्दों के बीच में निकाह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो LGBT कम्युनिटी ऑफ इंग्लैंड है, वहां पे जो मुस्लिम्स खुद को बताते हैं, यानी कि LGBT कम्युनिटी में जो मुस्लिम मेंबर्स है, उनके हिसाब से वो कई कई बार से अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी शादी जो सेम सेक्स मैरिज है वो इस्लामिक कानून के मुताबिक की जाए। इसीलिए आप देख सकते हो दो मर्दों के बीच में निकाह पढ़वाए जा रहे हैं। भले ही ये मैरिज इस्लाम में कबूल ना हो, ये वैलिड ना हो, लेकिन इस तरह की मैरिजेस दुनिया में तशवीश क्रिएट कर रही है, एक टेंशन क्रिएट कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ इस मैरिज को दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वही एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी इस मैरिज को लीगल करार दे रही है और इसको सपोर्ट कर रही है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि लोग कितनी तादाद में मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर रहे हैं। ये लोग कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए, लीगल राइट्स के लिए अपील भी कर रहे हैं। इन लोगों की एक खास कम्युनिटी बना दी गई है जिसे LGBT कम्युनिटी कहा जाता है, जिसका आम लोग विरोध कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी को फिल्मों के जरिए प्रमोट किया जा रहा है और इसी के कारण हमारे समाज में बुराई फैल रही है। मर्द अपना जेंडर चेंज करवा कर औरत बन रहे हैं और दूसरी तरफ औरतें भी अपना जेंडर चेंज करवा कर मर्द बन रही हैं, और इसमें हर कौम के लोग शामिल हैं। जी हाँ, मुस्लिम भी। शायद इन लोगों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया पता नहीं है। अगर पता हो तो ये खौफ से ऐसा हरगिज ना करें। आप में से कुछ लोग LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि ये चीज़ नेचुरल है और इंसान जिसे पसंद करता है उससे शादी कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या अगर कोई इंसान जानवर से मोहब्बत करने लगे तो क्या उस जानवर से भी शादी उसे कर लेना चाहिए? अल्लाह ने जिसे जिसके लिए बनाया है उसे उसी से शादी करने का हुक्म है, यानी मर्द के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द। लेकिन जो इंसान अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है उसका क्या अंजाम होता है? आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस छोटे से वाकिये से समझिए, तब आप डेफिनेटली जान जाएंगे कि ऐसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो दुनिया में पहली बार किया गया था और उनका अंजाम कुछ ऐसा हुआ? तो चलिए इस वाक्य को सुनते हैं। कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी इस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाकों में मबूस फरमाया जिसे तारीख में सुदूम कहा जाता है। हजरत लूत ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफेली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हजरत लूत के दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार हैं, तुम अपने रब से अजाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था।
हुआ यूं कि अल्लाह ने तीन फरिश्ते इंसानी शक्ल में सुदूम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सुदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सुदूम से गुज़रने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे, और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुज़रता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे जबरन बदफेली किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सुदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है, इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हज़रत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सुदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूँ कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान न लाई थी, वो काफिर और मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। वो खुद एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुकद्दस के बाब पैदाइश में हज़रत लूत की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम एडो या एदित लिखा गया है। लिहाजा जब वाइला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं तो वो फौरन सुदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीन खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं, वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं, तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक जम में गफीर लगा था, लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुकद्दस फरिश्ते जिब्राइल, इसराफील और मीकाइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, उन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है, आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी दो बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था, आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे, ऐसी गर्ज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। तो आपने देखा इस वीडियो में कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कितना समझाया कि औरतों से निकाह करके अपनी जायज़ ख्वाहिश को पूरा करें, लेकिन उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, तब जाकर अल्लाह का उन पर अजाब नाजिल हुआ। और आप आज उस जगह पर जाके देखेंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थर की बनी औरत है, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला है, जो अपनी कौम की मोहब्बत और दुनियावी मोहब्बत की वजह से पीछे मुड़ के देखने के कारण उन पर भी अजाब नाजिल हो गया। तो जरा सोचिए, जब ऐसे लोगों पर तरस खाने का अजाब ये है,
तो ऐसे गुनाह करने का अजाब कितना खौफनाक होगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ नेचुरल है, ऐसा करना सही है, तो आप इस वाक्य से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है और इसका अजाब कितना बड़ा होगा। तो आज से ही आप ऐसी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये सारी शैतानी चीज़ें हैं जो गुमराह करती है इंसान को गुनाह की तरफ। और आप अपने अल्लाह से तौबा करें। आप जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं, तो आज आप तौबा कर लें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे हम ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।